हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ बहुत ही आसानी से। मतलब कोई कोई होते हैं ना कि परेशानी होती है, थोड़ा सा हाथ खराब हो जाएगा या फिर सब जगह लगेगा नहीं, तो इन सब उसको थोड़ा सा आपका ईजी करने के लिए मैं बना रही हूँ वीडियो। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे पहले मैं ये ग्लव लगा ली हूँ। ग्लव्स देख सकते हो, ये पन्नी का है। मैं पहले इसका यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ, क्योंकि सच में हाथ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत आती है। अगर आप मेहंदी लगाते ही रहते हो महीने में, या कभी भी मेहंदी आप यूज़ करते हो, मेहंदी आप हेयर पे यूज़ करते हो, या फिर कोई भी डाई यूज़ करते हो, या कोई भी कलर जो आप लगाते हैं ना हेयर पे, वो सब यूज़ करते हो, तो आपको इस तरह की ग्लव है वो ज़रूर रखनी चाहिए अपने पास, जैसे कि मैं हमेशा ही रखती हूँ। ये बहुत टिकाऊ होता है, बहुत दिन तक चलता है, ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया तो फट गया। फ्रेंड्स, मैं पूरे बालों में नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ सामने के जो बाल हैं उन्हीं में मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि ये सामने वाले बाल और सामने के आसपास वाले बाल में ही मेरे रफ हैं, तो मुझे उन्हीं को थोड़ा सा ठीक करना है, इसीलिए मैं मेहंदी लगाती हूँ। और सामने और लास्ट में जो इंड होता है नीचे साइड, वो मुझे थोड़े से दूसरे कलर में चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं इन सब में लगाती हूँ, और बाकी पूरे हेयर पर मैं इसका मेहंदी का यूज़ नहीं करती। तो मैं धीरे धीरे इस तरह से मांग से स्टार्ट करते हुए पूरे जहाँ जहाँ मुझे लगाने हैं वहाँ लगा लेती हूँ, और बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। एक बार आप लगाओगे ना तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा। ऐसा होता है ना कि घर में कोई किसी को बोलते रहोगे और काम रहता है, किसी का दूसरा काम रहता है, तो उनको अपने काम को छोड़ के इस चीज़ को करवाने होते हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। मैं भी पहले दूसरे पर डिपेंड रहती थी, कोई मेरा मेहंदी लगा दे तो मैं लगवा लूँ करके सोचती रहती थी, और मैं दूसरों को बोलती भी थी घर में, तो सबका कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता था, कब तक दूसरों को बोलूँगी। इसलिए मैंने एक बार ये ट्राई किया कि क्यों ना अपने से ही लगा लिया जाए, तो मैं अपने से जब से लगाना स्टार्ट करी हूँ, मुझे दूसरे का पसंद ही नहीं आता, दूसरे का अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए मैं अपने से ही लगाती हूँ हमेशा से। और एक बार आप भी ऐसे करोगे ना तो आपको दूसरे से लगवाने का मन ही नहीं करेगा, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अभी सब तरफ लगा ली हूँ, जो जहाँ जहाँ लगाना होता है, जहाँ जहाँ मुझे लगाना था वहाँ मैं लगा ली। अब देख सकते हो मेरे सर पे ही लगाई हूँ मैं, और नीचे के बाल पे मैं नहीं लगा रही हूँ, तो जहाँ जहाँ बचे हैं वहाँ फिर से लगा लूँगी बचे हुए मेहंदी को। फ्रेंड्स, जहाँ मुझे मेहंदी लगाना था वहाँ मैं लगा चुकी हूँ। पूरे हेयर में मैं मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरे हेयर में अभी नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, मैं पूरे हेयर में बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर हाफ हेयर पे ही मेहंदी अप्लाई करती हूँ। और देख सकते हो मैं इस तरह से मेहंदी लगाने के बाद क्लेचर से अपने बाल को जूड़ा बना के सिक्योर कर लेती हूँ, ताकि बाल इधर उधर ना हो, और एक दो घंटे के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं वॉश कर ली हूँ, आप देख सकते हो हेयर को मेरे थोड़ा सा कलर आया है, ज़्यादा कलर नहीं आया है, और अभी तो गीला ही है बाल, अगर ये सूखेगा ना तो अच्छे से दिखेगा इसका कलर, देख सकते हो। ये जब मेरी हेयर पूरी तरह से सूख जाए तो इसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगी। तो ये है रिजल्ट ने मेहनतों का। नूपुर मेहंदी लगाई थी इसलिए ज़्यादा कलर नहीं आता है, आप जानते ही होंगे। और दूसरी मेहंदी जो होती है हाईलाइट के लिए होती है, वो सब मैं यूज़ नहीं करती। सो गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।